हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो भाई आज है हमारे पास टाटा की पंच। तो टाटा की पंच ये है 1.2 लीटर एडवेंचर मॉडल। तो इसका एक ना ओनरशिप रिव्यू क्या, ये अभी चली तो 1200 किलोमीटर है, लेकिन एक ये देखते हैं कि भाई ओनर के मन में क्या रहता है जब इस गाड़ी को खरीदते हैं। तो मिलते हैं सीधे ओनर से कि भाई क्या क्या है इस गाड़ी में, और आखिर उन्होंने ना ये गाड़ी लेते समय क्या क्या उनके माइंड में रहा जिससे कि भाई ये गाड़ी उन्होंने खरीदी। तो सबसे पहले एक सेकंड सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और साथ ही साथ इसका ना मैं आपको ड्राइव का एक्सपीरियंस भी बताता रहूंगा कि ड्राइव चलाने में गाड़ी किस तरह की है। तो सबसे मिलते हैं भैया, नमस्ते। नमस्ते। और ये उनके बच्चे। तो सबसे पहले तो आपसे जानते हैं टाटा का कौन सा मॉडल है पंच में? टाटा पंच एडवेंचर है। टाटा पंच एडवेंचर। टाटा पंच एडवेंचर। तो आखिर अगर हम बात करें इस गाड़ी में, तो इस गाड़ी में अगर बात करें तो भाई मॉडल आपको इस सेगमेंट में गाड़ियां तो बहुत थी। हाँ। तो आपने यही वाली गाड़ी क्यों ली? एक तो ये है कि पापा है ना, पापा को हमेशा टाटा की कार ही लेनी है। अच्छा। हाँ, वोकल फॉर लोकल। अच्छा, वोकल फॉर लोकल। हाँ। अच्छा, और एक फिर टाटा की सेफ्टी भी अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। इससे प्राइस बजट में मतलब सेफ्टी रेटिंग भी 5 स्टार मिल रही है। ओके। इसलिए तो अब इस गाड़ी का लेने का प्रोस्पेक्टस तो जो मुझे लग रहा है ना, वो ये है कि साथ में हमारे भैया के साथ साथ उनके बच्चों की भी चलनी है। हाँ। और उन्होंने ना सबसे पहले जो कंसीडर किया है वो है गाड़ी का सेफ्टी फीचर। यस। तो बात करते हैं, अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो इन्होंने अभी तक 1200 किलोमीटर की चलाई है। तो सबसे पहले ये गाड़ी पड़ी कितने की थी आपको? ये गाड़ी 7,69,000 रुपए का पड़ा, ये एडवेंचर मॉडल। तो अब अगर हम बात करें तो आपने जैसे ये 1200 किलोमीटर तो चला दी है, खैर अभी ज्यादा तो ये चली नहीं है, अप्रोक्स 1200 किलोमीटर ही चली है। हाँ। तो अगर इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज कितनी दे गई है ये? अभी हमने 19 निकाली है, 19 किलोमीटर की पर लीटर। तो इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? टाटा सफारी। अच्छा, तो आप तो टाटा के डाई हार्ड फैन हो गए कि भाई टाटा की ही गाड़ी आपको खरीदनी थी। जी। तो सफारी तो काफी बड़ी गाड़ी, और ये उसके सेगमेंट में अगर उसके हिसाब से देखें तो एक तरीके से बच्चा ही है, बच्चा है सफारी के आगे। तो फिर आपको चलाने में थोड़ा सा फील नहीं होता कि भाई क्या अब सफारी से एकदम से इसके ऊपर? नहीं, ठीक है, पर इसका माइलेज और वो देख के इसका अभी जो गवर्नमेंट ने निकाल दिया 15 साल और 10 साल, तो ये पेट्रोल में ली है हमने। हाँ। ये 15 साल चलेगी, वो 10 साल के डीजल का चक्कर था, अभी सफारी पेट्रोल में मिल नहीं रही है। अच्छा, इस चक्कर में ली है। अच्छा, इसकी सिर की जो हमने देखी हाइट बैठने में बहुत कम्फर्ट है, जैसे है ना, भी मिनी स्पोर्ट्स में ही आती है। हाँ, हेडरूम की बात करूँ तो आप देखो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, और आपकी मेरी भी 5'10" है, और स्पेस तो काफी ज्यादा है, और 4 बंदे तो बड़े आराम से बैठ के चल सकते हैं इसके अंदर। पीछे से भी बहुत चौड़ा है, 5 आराम से बैठ, अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है। हाँ, और अंडर थाई सपोर्ट भी सही है। हाँ, सारी चीजें ठीक है इसके अंदर। तो और एक जैसे ये एडवेंचर मॉडल है तो इसके अंदर सारे फीचर तो आपको मिल ही जाते हैं, मिल जाते हैं। अगर जैसे इस गाड़ी की हम बात करें तो इसमें जैसे चारों तो पावर विंडो मिल गए आपको, चारों पावर विंडो मिल गए, और सीधा इधर से निकालो। हाँ, वो मैं ले लूंगा। चारों पावर विंडो मिल गई, और आपको ना ये आपको ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं, और आपको ना म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारी चीजें ना इसके अंदर मिल जाती है। JBL के वो स्पीकर, इसके अंदर JBL के स्पीकर है, और आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल। तो टाटा ने ना थोड़ा सा इसके अंदर मेरे को लगता है कि भाई फीचर्स वगैरह, और टाटा की इस गाड़ी के अंदर जो पर्टिकुलर मुझे लग रहा है जो फिट एंड फिनिश है ना, वो टाटा की मतलब एक तरीके से ये ना नॉन टाटा प्रोडक्ट लगता है, ऐसा लगता है टाटा की गाड़ी नहीं है ये। क्योंकि जो फिट एंड फिनिश मैंने टियागो वगैरह और नेक्सन में देखी ना, उतनी अच्छी नहीं मिलती जो इसमें मिलती है। और दूसरा, अगर इसमें बात करें आपको जो AC मिलता है, तो AC एक तरीके से इसका इस तरीके का मिलता है कि भाई जैसे ऑटोमेटिक AC हो, मैनुअल AC नहीं लगता किसी भी तरीके से ना देखने में। तो आपको इसमें बॉडी वॉल तो लगता होगा जैसे गाड़ी चलाने में, कि वो सफारी की आदत हुई पड़ी है। हाँ, वो तो है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है भारी। हाँ। गाड़ी और हल्की गाड़ियों ने कर्न, फिर भी ये भारी है, दूसरी हाँ। गाड़ियों से भारी है, 300-400 किलो वजन इसका ज्यादा है। अच्छा, वगैरह से इसमें 1200 किलो के नहीं, वैगनर वगैरह से तो देखो इंजन भी है, 1.2 लीटर का इंजन है इसका, तो उसका काफी फर्क इसके अंदर पड़ जाता है। और दूसरा, फिर अगर हम इसमें जैसे बात करें तो इसमें सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, कुछ चीजें बाहर से। आपने ऐसे सीरीज में क्या क्या लगवाया है इसमें बाहर से? इसमें सीट कवर है, फुट मैट है। अच्छा, और ये एम कवर है। अच्छा, और ये एम्बिएंट लाइट है। हाँ, एम्बिएंट लाइट ये काफी अच्छी लगी है। मड फ्लैप है। हाँ,
तो कुल मिला के ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका डिसीजन ठीक रहा जो लेने का। हाँ, अभी तो वही सोच के लिए हैं। हाँ। ब्रांड तो है ही टाटा का ब्रांड तो है। अब अगर मैं इसके ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं ना, तो भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी का काफी ठीक है। इसका ना ए वाला प्लग मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा ना फ्लैट टाइप का बनाया हुआ है कि उसकी वजह से ना इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता नहीं है। और गाड़ी की विजिबिलिटी की बात करें ना, तो विजिबिलिटी गाड़ी की काफी अच्छी है, मतलब आपको ना चारों तरफ से देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी के जो सस्पेंशन है, टाटा की गाड़ी की ना राइड क्वालिटी वैसे तो काफी अच्छी होती होती है, लेकिन इस गाड़ी में जो इसके टायर है ना, टायर 15 इंच के जो टायर दे रखे हैं, और थोड़ा सा सस्पेंशन को भी उस हिसाब से ट्यून किया हुआ है, तो आपको छोटे मोटे गड्ढों में तो ऐसा तो नहीं है कि आप कुदा के ले जाओ, लेकिन छोटे मोटे गड्ढों में से आप आराम से निकालोगे ना, तो आपको इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और यही बात, इसका जो थाई सपोर्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें काफ़ी ठीक है। और गाड़ी की जो सीट भी है ना, वो आपको फोर वे एडजस्टेबल वाली मिल जाती है, आगे पीछे ऊपर नीचे आपको पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। और इसका अगर एसी की बात करूँ तो एसी की कूलिंग भी ना काफ़ी ठीक है। अब यही बात इसके इंजन की, ये है 1.2 लीटर का जो 85 पीएस की ताकत देता है। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी सी गाड़ी के इंजन की ना नॉइस आपको अंदर तो लगेगी, लेकिन वाइब्रेशन इतनी फील नहीं होगी गाड़ी के अंदर के। बिल्कुल जो टाटा में टियागो में थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती थी ना, वो इस पंच में नहीं है। तो मेरे को ये थोड़ा सा ना प्रोडक्ट ठीक लगता है, टाटा पंच का ये, टाटा पंच ये वाली गाड़ी काफ़ी सही लगती है अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग। और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी मुझे सबसे बेस्ट अगर गाड़ी लगती है ना, तो टाटा पंच है। अगर आपको देखो टाटा का लो है, अगर आपको इसमें चाहिए टाटा की गाड़ी के अंदर, अगर आपको इसके अंदर देखो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह बहुत कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी माइलेज कम मिलेगी, और ये गाड़ी में जो वेट ज़्यादा होने की वजह से ना, अगर आप गाड़ी को 1500-2000 RPM के आसपास चला गए तो आपको प्रॉपर इसमें पावर मिलती है, लेकिन अगर आप 1500-2000 से कम चला रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको लगता है। और आपको डे टू डे ट्रैफिक, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क लगेगा। आपको लगा कुछ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलाने में? बहुत अच्छी गाड़ी लगी मेरे को, कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, पिकअप भी बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा फील होगा जैसे अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना, अगर आप एक बार जैसे मारुति की गाड़ी जैसे आप चलाएंगे, इग्निस वगैरह या फिर स्विफ्ट वगैरह, क्योंकि उनका जो 4 सिलेंडर का इंजन है ना, वो थोड़ा सा रिफाइंड ज्यादा है, उसमें आपको इतना फील नहीं होगा। या फिर बॉडी टू वेट रेशियो भी हो सकता है, क्योंकि उसका ना वजन कम है और इसका वजन ज्यादा है। वैसे मैंने मारुति की गाड़ी बहुत ज्यादा चलाई नहीं है, 150 किलोमीटर ही चलाई होंगी। ओके, मैं मारुति को पसंद ही नहीं करता हूँ शुरू से, ये भी एक कारण है। वो मे भी एक हो सकता है, लेकिन ना अगर हम इसमें बात करें ना, मेरे गाड़ी ठीक है, अगर किसी बंदे को केवल माइलेज के लिए और इंजन के उसके पर्पज से चाहिए, तो फिर आप कोई और गाड़ी जैसे हुंडई की या मारुति की कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी कंफर्ट के हिसाब से बात करें ना, तो ये गाड़ी काफी ठीक है। हमने मेन ली है ये सेफ्टी के पर्पज से, 5-star हाँ। रेटिंग है कि हम हैं तो गाड़ी है, हाँ। हम ही नहीं रहेंगे तो गाड़ी का क्या करें? नहीं, वो सारी चीजें हैं। तो अब कुल मिला के ये है कि गाड़ी वो, अब लोग ना सेफ्टी के ऊपर बात करने लग गए। क्या पहले क्या था, आज से 5-6 साल पहले जो लोग इसको कंसीडर करते थे, प्राइस और माइलेज को जो कंसीडर करते थे ना, वो अब उसको बात उसको हाँ। कंसीडर नहीं करते, केवल सेफ्टी के बारे में भी बात करते हैं। और ये मेरे को लगता नहीं ये चीजें ठीक है। और थोड़ा सा ना इसके बारे में मारुति को भी इसके बारे में ना देखना चाहिए कि भाई सेफ्टी है, हाँ। बंदा है तो गाड़ी लेगा ना, बंदा लोग सेफ्टी कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ, रोड एक्सीडेंट्स के कारण, बच्चे हाँ। कम होने के कारण, सबके एक एक बच्चा होने लगा है। हाँ, इस कारण लोग सेफ्टी को देखते वो हैं। वाली चीजें भी है, काफी सारी चीजें हैं जी। दोस्तों ये था एक गाड़ी का मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस, तो इसको नहीं कहेंगे कि भी किसी, अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम क्या नई गाड़ी खरीदेगा तो उसके माइंड में क्या क्या चीजें रहती हैं। जैसे सर ने बताया, भैया ने, कि उनके माइंड में ना बस गाड़ी लेते टाइम ये था कि गाड़ी सेफ होनी चाहिए और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गाड़ी में। एक बार माइलेज गाड़ी कम देगी या गाड़ी थोड़ी सी आवाज कर रही है ना, तो उसका उनको इतना वो नहीं था, लेकिन गाड़ी उनको चाहिए सेफ। तो ये था एक छोटा सा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।